कि कोई दीवाना कहता है बाबा। अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहां थे, मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी अ गुड पोइट देन अ बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूं, पूरा बिगाड़ रहा हूं, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूं, गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुनना, कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास दाद चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया, वो तेरा हो नहीं पाया। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूं। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको चार पंक्तियां पढ़ा दू, सुनेगा चार पंक्तियां, और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में, सुनेगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर
मोहब्बत का। और प्रोफेसर्स की विदा चाहता हूँ इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो एक प्यार की गीत सुनाता हूँ, क्योंकि देखिए राजनीति की भाषा मुझ पे आती नहीं, और राजनीति की भाषा इतनी घटिया हो गई कि हम बोल भी नहीं सकते। दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो मेरे भाजपा और कांग्रेसी दो दोस्त लड़ पड़े एक दिन शाम को डिस्को में। तो भाजपा बोला, बोले काहे की सोनिया गांधी क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने देश के लिए, तो बच्चे ही तो पैदा किए। तो भाजपा बोला, और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी वो भी नहीं हुए। वो आपस में उनकी ऐसी भाषा हो गई। तो इस पर क्या कविता लिखते, और अटल जी के लिए टिप्पणी की संदीप ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। अटल जी 80 वर्ष के आदमी है, पूरे जीवन जिस आदमी को बहू नहीं मिली उसे बुढ़ापे में बहुमत मिला, ये उनकी खुद की उपलब्धि है। मुझे तो याद है अभी एक दिन अटल जी सोनिया जी के साथ सर्वदलीय मीटिंग में बैठे हुए थे, तो सोनिया जी ने कहा, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, जब वो हिंदी बोलती है मुझे पता नहीं बाँचें कहाँ होती है लेकिन शरीर में खिल जाती है। तो बोली, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। अभी पिछले दिनों सोनिया जी राजस्थान में प्रचार में गई तो भरतपुर में तो चित्तौड़ के राजा की जय बुलवा दी और चित्तौड़ में भरतपुर वाले की जय बुलवा दी, वो पर्चा बदल गया था। तो किसी ने कहा, बोले मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, आपने दूसरा राजा इस्तेमाल कर दिया। अरे बोले शट अप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ तो ये 300 किलोमीटर चल के राज नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर हमला कर दीजिए। तो अटल जी ने कहा, सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर बैठे हुए थे, टोनी ब्लेयर आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज बुश के छोटे वाले पामेरियन हैं। वो भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं 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 अटल जी आप हमला मत कीजिए, आप बड़े भाई हैं, दक्षिण एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा। तो अटल जी बोले, टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी एक पत्रकार बोला था, आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी ठीक कह रहे हो, इसकी भी ठीक कह रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। 27 दलों की सरकार चलानी है तो मैं आपको राजनीति में नहीं प्रेम पे कविता सुनाता हूँ, क्योंकि प्रेम सफल हो जाए तो आदमी विवेक ओबराय हो जाता है, और असफल हो जाए तो सलमान खान हो जाता है। और मैं आप सबको विवेक ओबराय देखना चाहता हूँ। अब आप भी क्यों ना हो साहब, वो स्त्री जिसके लिए वो दोनों पागल है, वो सुंदर ही इतनी है, भगवान ने पूरी समर वैकेशन खराब करके बनाई है। मैं तो अभी कहाँ पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा एक विद्यार्थी आत्महत्या के लिए चढ़ गया गाजियाबाद में, हमारे यहाँ कौशाम्बी में 12 मंजिली इमारत है, ऊपर चढ़ गया। तो उसके गुरु पिता, उनका पिता का फोन आया, बोले सर चले आइए, आपका शिष्य बहुत परेशान है, आत्महत्या करना चाह रहा है। तो मैं गया, मैंने कहा अभिषेक बेटा नीचे आ जा, आत्महत्या मत कर, मैं तुझे वो नई वाली मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, वो हुड़ी बाबा। बोला नहीं गुरु जी मैं कूद कर मरूंगा, मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मैंने कहा नीचे आ जा, ओम व्यास और मैं अमेरिका जा रहे हैं इस बार स्विट्जरलैंड, तो मैं ओम व्यास के घरवाली के टिकट पे तुझे ले चलूंगा। बोले नहीं गुरु जी इसमें तो ज्यादा रिस्क है, मैं कूद के ही मरूंगा। तो मैंने कहा, मैंने मन रखने के लिए कह दिया, अरे मैंने कहा मैं कलकत्ता गया था तो वो ऐश्वर्या राय की माँ वृंदा राय मेरी फैन हो गई, मैं तेरी ऐश्वर्या राय से शादी करा दूंगा, नीचे आ जा। बोला गुरु जी ऐश्वर्या राय कौन है? मैंने कहा फिर तू कूद के ही मर जा, फिर तू कर भी क्या रहा है। मेरा कई बार मन करता है कि मैं गजेंद्र सोलंकी को उस वाली बिल्डिंग पर ले जाऊं, लेकिन डर यह है कि यह भी हो सकता है कि ये वहीं रहे और मैं नीचे आ जाऊं, ये शरीर का मामला है। तो मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, मोहब्बत में सच की कविता, और इसमें दिल धड़के आवाज मिले पहली पंक्ति से जुड़िए। आपको मेरा नाम याद नहीं रहेगा, ये कवि सम्मेलन याद नहीं रहेगा, लेकिन इस कविता का शीर्षक पगली लड़की याद रहेगा, इसका एल्बम भी जल्दी आएगा, और उसे आप पहली बार मुझसे सुन लीजिए, अगले साल तक ये पहुंचेगी बात आपको सुनेगा। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, ये ऐसे जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, चाहे T5 में रहते हो चाहे बॉय हॉस्टल में रहते हो। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनना, आह वाह करते रहना, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से
सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। पंक्तियां सुनना और अगली दो पंक्तियों पर जितने भी लोग हों सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में